तो चैनल विन भी आपको एक मौका दे रहा है जहां आपके सवाल आप सीधे पूछेंगे खुद यानी आप अपने टैलेंट को खुद बाहर लाएंगे तो अपने सवाल आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं क्योंकि अभी वक्त नहीं ख़त्म हुआ है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में कौन आने वाला है तो जी हाँ नाजिन तो चलिए इस्तबाल करते हैं मुमरा से हमारे प्रोग्राम एक मौका में हिस्सा लेने के लिए आई परवीन फातिमा तकवी का सलाम वाईक असल वरम्ह वरक परवीन फातिमा तकवी साहब आपका मैं खैर मक़दम करता हूँ और अपने इस प्रोग्राम में आपका इस्ते भी करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने बेहतरीन सवाल भेज कर ये मौका हासिल किया है जी हाँ और मैं भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहूँगी चैनल विन की तरफ से कि उन्होंने हमारे सवाल के काबिल समझा कि हमें एक मौका में एक मौका दिया तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो है आप करती क्या हैं वैसे जी हम एक हाउस वाइफ हैं हाउस वाइफ़ है जी यानी हाउस वाइफ एक ऐसी जॉब है जो मैं बोल सकता हूँ ट्वेंटी फोर इंटू सेवन है जी हाँ यानी उसमें तो कभी छुट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो अब मैं ये चाहूँगा कि जो आपके सवालत हैं वो हमें काफ़ी पसंद आए और आपको हमने सेलेक्ट भी किया बुलाया भी तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नाजर को आप एक मौका के बारे में कुछ कहें मैं तमाम नाजरन से इस एक मौका प्रोग्राम के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर रहती हैं लेकिन वो उन खूबियों को पहचान नहीं पाता है या नुमाया नहीं कर पाता है तो इस चैनल विन ने एक मौका दिया है कि अपने हुनर को पहचाने और अपने अंदर छुपे हुए उस हुनर को यहाँ पर आकर तमाम नाजरीन के सामने और इस एक मौका में चैनल विन की तरफ से अपनी ख़ूबियों को आजमाएं और अपने सवाल लेकर आएँ और उन सवाल से तमाम जवाब से मुतमिन हो जाएँ चलिए परवीर साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बेहतरीन तरीके से लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास कोई सवाल है तो वो आप ईमेल कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि जब यहाँ पे एक जो है आपको रिक्वेस्ट भी मिल चुकी है तो हमारा ईमेल एड्रेस है ई एम विन सेवन एट सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप अपने सवालत हमें भेज सकते हैं लेकिन याद रहे नाजरीन सवाल आप या कि सोशल होने चाहिए यानी समाजी होने चाहिए दीनी होने चाहिए यानी इस्लामिक होने चाहिए और इस तरीके के सवाल आप हमें ई कर सकते हैं तो इन श्ला हम आपको ज़रूर बुलाएँगे परवीन अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ रखें हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौलाना को बुलाना चाहूँगा जी है शुक्रिया तो जी हाँ नाजीन अब वक्त हो चला है कि परवीन फातिमा तकवी के सवालों का जवाब देने के लिए तो मैं आवाज़ देना चाहूँगा जाम इमाम अमीर अलमोमिन यानी नचवी हाउस में एज आ लेक्चरर हैं तो चलिए इस्ताल करते हैं मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब का बरक साहब बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि जब जब हमने आवाज़ दी है तब तब आप हमारी आवाज़ पे लब बैठ गए हैं खुदा आलम की अनायत और इमाम जमाना सलाम की तवज्जो है दुआ है कि खुदा तोफ़ी में और इजाफा करे और आपकी भी खिदमतों को कबूल करे ये बहुत बहुत शुक्रिया मना साहब जो आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं वो हमारे शहर यानी मुंबई से मुमरा से तशरीफ़ लाई हैं और उनके भी काफ़ी सवालत हैं जो आपसे पूछना चाहिए तो उम्मीद करता हूँ कि परवीन फातिमा तकवी के सवालों का जवाब इनशाला मिल जाएगा इन इनशा तो मोनाना साहब आप तशरीफ़ रख सकते हैं जी हाँ नाजिन यहाँ पे परवीन फातिमा तकवी भी जो है तशरीफ़ ला चुकी हैं और इनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौलाना सैयद सा मैं आपसे मुलाकात करूंगा है आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए एक मौका वरिबरकू सबसे पहले तो अपने सवालों का आगाज करने से पहले बहुत बहुत खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आज आप जैसी हस्ती के सामने बैठ कर अपने चंद सवाल आपसे मालूम हासिल करने की खुदा ने तो़ी अदा की हम सब अल्लाह के तुक्र गुज़ार उसने खदमत का तो मौका फ्राहम किया जी हाँ मौलाना और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने चंद सवाल आपके सामने पेश करना चाहूँगी और उम्मीद है कि इन सवालों से मैं बहुत ही मुतमिन रहूँगी और अपने सवालों का आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आज के वक्त में जो पॉलीटिशंस वग़ैरह जो होते हैं जी। और मजहब इस्लाम में जो पॉलिटिक्स को मना करार दिया है या जायज़ करार दिया है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में क्या ये पॉलिटिक्स औरतें कर सकती हैं या औरतों पे जायज़ है जी सवाल आपका ये है कि क्या इस्लाम में सियासत में आ के समाज की ख़िदमत कर सकते हैं या नहीं और औरतें इसमें शामिल हो सकती हैं या नहीं तो इस सिलसिले में यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मजहब इस्लाम में ख़दमत खलक़ समाज और सोसाइटी और और औररती इंतज़ामी अमूर को संभालने की ताक़ीद करता है और एक मनज़म माशरा तश्क़ील देने के लिए कोशिश करने की तरफ ताक़ीद करता है और जब तक इंसान समाज को मनज़म करने के लिए कोशिश नहीं करेगा उस वक्त तक कोई माशरा सही मुनम नहीं हो सकता है और कामयाब माशरा नहीं कहा जा सकता और इसमें बराबर के शर्क अलबत् इस्लाम के दस्तूरात में मर्दों के औरतों के हुकूक हुकूमत के अतबार से मुन किए हैं और उसी दायरे में रहते हुए मर्दों को औरतों को रहते हुए खिदमत करना चाहिए और हमें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंसान की समाज की सोसाइटी की ख़िदमत के लिए आगे बढ़ें इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है ख़दत ख़ल खिदमत इंसान आप देखें हमारे में मासूमिन की ज़िंदगी उठा कर के देखिए और जो इस्लाम के बुज़ुर्ग हस्तियां हैं उनकी सीरत उठा के देखिए कि किस तरीके से उन्होंने ख़दमत खल और लोगों के जो वो परेशानियों में शरीक होकर के उनकी मुश्किल को दूर किया है कोशिश किया है और वही तालीम हमको भी दिया आज ज़माने में अगर हम खिदमत ख़ल के अनवान से इंसान की मुश्किल को बरतरफ करने केनवान से अगर हम किसी ए, पार्टी या किसी ग्रोह या किसी जो है वो ऐसी तंजीम के साथ शामिल हो कि जिसका मकसद वाकई इंसानी मुश्किल को बरतरफ करना और इंसानी समाज में अमन अमान के कायम करने की तरफ कदम उठाना हो तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और इसमें औरतें भी हिस्सा ले सकती हैं इस्लामी दायरे और इस्लामी हकूक और आकाम दस्तूरा के दायरे में रहते हुए तो हमें इजाज़त है इसमें किसी तरह की कोई जो है वो इशकाल और एतराज़ नहीं है जी अच्छा बहुत खूब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी आज के वक्त में जो जलजले आ रहे हैं और नागाह मौत हो रहे हैं जो वक्त जितनी तेजी से बढ़ रहा है गुनाह उतने ही आगे आते चले जा रहे हैं लोग गुमराह हो रहे हैं वालदेन के बरखिलाफ हो रहे हैं अपने हकूक से दूर हो रहे हैं तो क्या ये सारे आसार क्यामत के समझे जाए देखिये ये आपने इन जल्जलों की तरफ और आखिरी ज़माने के निशानियों की तरफ इशारा किया है क्या इसका ताल्लुक क़यामत से है देखिए हमारे यहाँ जो अकीदा पाया जाता है श्यासनाशरी मजहब में वो ये कि कयामत आने से पहले इमाम मेहदी अज्जल अल्लाह ताल फरजोशरीफ़ का ज़ुहूर होगा तो जब तक इमाम मेहदी अलसम इस दुनिया में खुदा के हुक्म से जो पर्दे गैब में हैं जब हुक्म खुदा होगा ज़ाहिर होंगे ज़ाहिर होने के बाद पूरी दुनिया से हर तरह के जुल्म, हर तरह की बुराइयों को दूर कर देंगे और हर जगह इंसाफ हर जगह अच्छायाँ नेकियाँ होंगी जब तक ये माहौल नहीं पैदा होगा उस तक क़यामत नहीं आ सकती है तो हमारा बुनियादी अकीद ये कयामत आने से पहले जो मासूमीन मासूमिन को उनके हक़ूक़ से महरूम किया गया है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इस ज़मीन को वारिस इस ज़मीन का वारिस करार देगा वो हुकूमत करेंगे दीन इस्लाम दीन गदीरी को तमाम अदियान आलम के ऊपर बर्तरी अता करेंगे हर जगह एक तोहैदन एक खुदा की प्रस्तश होगी एक दीन होगा तमाम इंसान मिल कर के ज़िंदगी बसर करेंगे यहाँ तक के हैवान जानवर भी इंसानों से करीब होकर के ज़िंदगी बसर कर किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा वो माहौल पैदा होगा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने जहाँ तक मसला ये जलजला और ये जो है वो खुश्क साली या इस तरह की गुमराहियाँ जलालतें फितना जंग उजी इन सब चीज़ों का सवाल है यकीन ये जहूर कायम आल मोहम्मद अल्लात वसलाम के निशानियों में से एक निशानी है इसलिए कि माम मेहदी अज्जलल्ला तरजशरीफ़ के, के ूर की निशानियों में से निशानी है कि ज़माने आखिर में ज़लजले आएंगे ज़माने आखिर में गुमराहियाँ बढ़ जाएंगी ज़माने आखिर में खुश्क साली कहत पड़ेगा जमाने आखिर में महंगाई बढ़ेगी आखिरी ज़माने में लोग जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे दिल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे खुनरेजी होगी कत्ल गारत का ज़माना होगा हर तरफ़ गुमराही होगी नासाफियाँ होंगी ये सारी निशानियाँ जहूर इमाम मेहदी जल्ला तरजशरीफ़ के लिए बताया गया और तीसरी बात यह है कि ये जो ज़लजले खुश साली कहत इस तरह की जो चीज़ें पाई जाती हैं इनके लिए इशारा है हमारे रिवायतों में और कुरान करी में भी कि जहाँ कहा गया है कि ये सब के सब हमारे हाथों और हमारे ही अफाल और हमारे ही किरदार का नतीजा है बेमा कशबीम यानी जो जलजले आते हैं या जो खुशक साली है इसके रिवायतों में हमारे यहाँ कि जब गुना बढ़ जाएगा और जो वो बुरे काम होने लगेंगे तो सूखा पड़ेगा खुशक साली होगी तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं यकीन हम इंसानों के बुरे आमाल का नतीजा भी है और उसके बाद ये ज़मीना फराहम होगा इस तरीके से इमाम महदी अलाम के जहूर के लिए अल्लाह ताली की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदा आलम अपने आखिरी वली के जहूर में ताजील फरमाए बेशक उनके में ताजील फरमाए और उनके जहूर से पहले हमें तमाम गुनाहों से तोबा करने की तोफ़ी अता आमीन जी हाँ मौलाना बहुत खूब आपने हमारे सवाल के जवाब दिया और जिस तरह से आपने हमारे इमाम के ज़हूर की जो अलामतें बताई हैं बेशक वो अलामतें धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें जाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं अगला सवाल ये है जहाँ तक देखा गया है कि अगर एक औलाद घर में माना जाए कि अगर एक बच्चे की विलादत हुई है और काफ़ी अरसे बाद दूसरे बच्चे की विलादत होती है तो कहीं ना कहीं बड़े बेटे को ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा छोटे बच्चे पे माँ बाप का ध्यान ज़्यादा है वो उसे ज़्यादा चाहते हैं और बचपन से ही ये सब कुछ देख कर और अपने दिल में इन बातों को रखते हुए जब वो बच्चा जवान होता है और अपने सरे शूर पर आता है तो उस भाई की तरफ से उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ कीना बाकी रह जाता है वालदान की तरफ से ये शिकायत बाकी रह जाती है कि आप बड़े बेटे को बनस्बत छोटे बेटे से कम चाहती हैं तो इस सवाल के लिए हमारे नाज्रन से किस तरह से हम बताना चाहेंगे और उन बच्चों के दिलों को किस तरह से हम साफ़ और शफाफ़ करना चाहेंगे कि उनके दिलों में जो इस तरह की बातें हैं कि बड़ा बेटा घर में है और वो समझता है कि हमारे वालदेन हमारे छोटे भाई से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जबकि वालदान के लिए हर औलाद एक ही निगाह से देखी जाती है और उसके दिल में हर एक के लिए बराबर की मोहब्बत रहती है लेकिन बचपन से जो ये बात बच्चों के दिलों में आ जाती है तो आखिर उम्र तक जब यह बात उनके दिलो दिमाग पर सिन श पर पहुँच जाती है तो वो अपने भाई से क़त रहमी के सिलसिले में भी वक्त और हालात के होते हुए क़तर रहमी की तरफ भी रजू कर जाता है तो इसको हम अपने बच्चों के जहनों से किस तरह से निकालें देखिए इस सिलसिले में मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि माँ बाप को भी अपने औलाद से इस तरह से मोहब्बत करना चाहिए कि दूसरे बेटे को कोई नाइंसाफी ना मालूम हो जी। उसको एहसास ना हो कि हमें कम मोहब्बत दी जा रही है और दूसरे भाई को ज़्यादा मोहब्बत दी जा रही है देखें कभी भी एक बेटे के दिल में उसी वक्त इस तरह की बात पैदा हो सकती है जब वाकयन घर में ऐसा कोई माहौल बनेगा बने, और कहीं ना कहीं से माँ बाप के दिल में किसी न किसी एक बेटे से मोहब्बत नस्बता दूसरे बेटे से ज़्यादा होती है लेकिन देखें ज़्यादा होना कम होना इसे शरीयत ने मना नहीं किया ऐसे कोई बात नहीं है कि गुनाह है या कुछ लेकिन मसला यहाँ पर यह कि अगर बैलेंस और तवाजुन को बरकरार रखना है तो उस मोहब्बत को बेटे के सामने जाहिर ना होने दे अगर एक बेटे से ज़्यादा उल्फत है दिल में मोहब्बत है तो रखे लेकिन जब उस मोहब्बत को ज़ाहिर करे तो दूसरे बेटे को सामने रख करके उसे यह अंदाज़ा ना हो कि मुझसे कम मोहब्बत की जा रही है लिहाजा अमली ज़िंदगी में अगर मोहब्बत का इज़हार हो तो दोनों बेटे से बराबर बराबर होना चाहिए ताकि उसे एहसास ना हो दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चे की तरबियत और अपने औलाद की तरबियत में कुछ ऐसी बातों को लाना चाहिए जिसकी वजह से जब वो बड़ा हो उसकी उम्र बढ़े तो उसकी फ़िक्र खुद ब खुद इतनी पक्की हो जाए और इतनी अच्छी हो जाए कि वो इस तरह की बातों को अपने दिमाग में अपने दिल में जगह ही ना दे सके कि ऐसे माँ हो सकती है ऐसा बाप हो सकता है कि जो हमसे कम मोहब्बत करे और एक भाई से दूर ज़्यादा मोहब्बत करे अगर बचपने से माँ बाप अपने बेटे की इस फिक्र को देखते हुए इस अंदाज़ से तरबियत करें कि माँ बाप अपने औलाद के लिए बराबर से जाँफशानी करते मेहनत करते उनके दरमियान किसी तरह की कोई इम्तियाज़ नहीं होता हक पूरा देते हैं अगर ये फ़िक्र ये तालीम बचपने से उनके जहन में डाली जाती रहेगी तो कभी भी बड़े होकर के वो आपस में भाइयों के दरमियान में किसी तरह को कोई इम्तियाज़ नहीं समझेंगे और कोई कीना कोई दुश्मनी और किसी तरह की जुदाई और क़़त रहमी का सवाल भी नहीं आएगा होता क्या है दोनों मसले में वाकई माँ बाप कहते तो हैं ज़बान से कि हम बेटा तुमसे भी मोहब्बत करते हैं छोटे बेटे से कहते तुमसे भी मोहब्बत करते हैं मगर जब इस मोहब्बत को अमली मैदान में लाने की बात होती है तो वाकई एक बेटे को महरूम कर दिया जाता है जब महरूम किया जाएगा तो उस बेटे को महसूस होगा कि हमसे कम मोहब्बत की जा रही है अब इसका जुबरान नहीं हो सकता जब एक मरतबा उसके दिल में ये बात बैठ गई कि हमें फ़लाँ के मुकाबले में कम अहमियत दी जा रही है तो यकीनन वो उसको एहसास होगा और जब एहसास होगा तो उस भाई के नस्बत से उसके दिल में थोड़ी थोड़ी सी दूरी भी बढ़ती जाएगी लिहाजा कभी भी ये मौका ना दें बल्कि अगर ऐसा कोई मौका आ चुका है और इस तरह, इस तरह की कोई बात अगर आ गई है जिससे उसको तो उसको दूर करने की कोशिश करें उसके जहन से उस फिक्र को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि उसे यह एहसास हो जाए कि नहीं माँ बाप की निगाह में हम दोनों बराबर हैं तो चूँकि यहाँ पर माँ बाप कहते ज़रूर हैं मगर अमली ज़िंदगी में उसे करके नहीं दिखाते हैं दूसरी बात यह तरबियत का मामला कि उनके फ़िक्री एतबार से ऐसी परवरिश की जाए कि वो बड़े होकर के भाइयों के दरमियान में किसी तरह के इम्तियाज़ को महसूस न करें इसके लिए हमको इस्लामी तलमत हुकूक और उसकी अहमियत और परवरिश के तमाम मसाइल जो हैं उसको अगर अपनाएँगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जी हाँ मतलब इसका सही तरीके से ये हम समझ लें कि जो मेन तरबियत है वो सिर्फ वाले की है वाल अगर वो चाहें तो बच्चों में अख्तलाफा भी पैदा हो सकते हैं अगर वो चाहें तो मेल भी रह सकता है। बात। अगर वो चाहें, तो एक बेटे के दरमियानों के दरमियान रंजिश भी पैदा कर सकते हैं अलबत्ता नहीं, नहीं चाहते नहीं है मगर अपने अमल से बहरहाल वो मुकदमा वमीना फ्राहम कर देते हैं लिहाजा शूरी लाश से कहीं ना कहीं ऐसा अमल अंजाम पा जाता है जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि हमारे दरमियान फ़र्क काम किया गया है लिहाजा माँ बाप को ऐसे मौक़े पर बहुत हसास रहना चाहिए माँ इसीलिए बहस आती है कि माँ बाप को कैसा होना चाहिए उनको तालीम याफ्तः हकाइक से वाकिफ और इस्लामी तलीमत से आशना हों और नफसियात से वाकिफ़ हों बच्चे की तरबियत में इन चीज़ों का बहुत बड़ा दखल होता है अगर ये सब वाकिफ़ होंगे तो यकीन उनके दरमियान किसी तरह कोई इम्तियाज़ नहीं पैदा हो सकता है जी हाँ अच्छा मौलाना अगला सवाल हमारा ये है कि अक्सर देखा गया है कि छोटी मोटी बातों से भी घरों में तकरार हो जाती है और ना समझी के तौर पर या तो शौहर ग़लती कर बैठता है या जोज़ा ग़लती कर बैठती है और अगर इस दौरान दोनों अलहदा हो जाते हैं और मिलने मिलाने का एक हिसाब से देखा जाए तो किसी तरह से कोई मसले का कोई हल नहीं निकलता है और काफ़ी सालों तक अगर यानी समझ लीजिए बीस पच्चीस साल तक भी अगर दोनों अलहदा रहते हैं तो क्या दोनों को तलाक़ की ज़िंदगी का सबब बना सकते हैं क्या उनकी तलाक़ नुमाया हो जाएगी उनका निकाह टूट जाएगा नहीं नहीं शर्तबार से अगर जन शोहर किसी अख्तिलाफ की बिना पर खुदा न करे अगर किसी अख्तिलाफ की बिना पर अलग हो जाए और बग़ैर तलाक के कई साल गुजार दें चाहे वो बीस साल पच्चीस साल तीस साल पैंतीस साल जितना भी अगर इस दुनिया में हैं और तलाक़ नहीं हुआ और वो अलग अलग रह, रह रहे हैं तो वो ज़न शौहर हैं और मियाँ बीवी वो शुमार किए जाएंगे जब तक तलाक़ का सेवा नहीं जारी किया जाएगा उस वक्त तक वो जुदा नहीं हो सकते हैं तो ये फ़ासला चाहे जितना बढ़ जाए अगर वह बायात हैं और उनको मालूम है कि एक दूसरे जगह पर रह रहे हैं अलग हो के तो चाहे जितनी मुद्दत गुजर जाए उससे तलाक़ नहीं समझा जाता है और दोनों एक दूसरे के महरम हैं जी जी आजकल के वक्त में कहा जाता है कि इल्म को जिस तरह से भी चाहे अपने मजहब इस्लाम के दायरे में रहकर जहाँ से चाहे इल्म हासिल कर सकते इस मामले में हमारे यहाँ लड़के जो हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और लड़कियाँ जो हैं वो आज के इस तरक्की याफ्ता मुल्क में और जिस तरह से हमारा मुल्क और दुनिया दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है इतनी तरक्की हो रही है साइंस में इतनी तरक्की हो रही है और हर माशरे की लड़कियाँ अच्छी से अच्छी पोस्ट कहिए या अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर सकती हैं मगर कुछ ऐसे मकामात आते हैं अब हम जानते हैं कि हमारे घर की बेटी के अंदर वो सलाहियतें हैं कि वो किसी भी अच्छी तरह से कहीं से भी किसी भी मुल्क से या किसी भी अहदे का इल्म हासिल कर सकती है मगर हमारे माशरे और हमारे मज़हब इस्लाम जो हमको जिसने हमारे गर्द एक दायरा बना रखा है पर्दे और हिजाब का उस पर्दे और हिजाब में हमें रह कर वो इल्म हासिल करना है ये मान लीजिए जिस तरह से आज के वक्त में एयरलाइंस है अगर अब एयरलाइंस में हम जानते हैं हमारी बच्ची की काबिलियत है कि वो उस पोस्ट पे जा सकती है वो एयरलाइंस में जॉब कर सकती है मगर परदे हमारा जो है पर्दा जो है हमारे इस्लाम का वो पर्दा वहाँ पे जायज़ नहीं है तो बच्चे हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं आज कर के वक्त में और भी ऐसी माएँ होंगी जो जानती हैं कि हमारी बच्चियाँ हैं इस काबिल मगर वो माशरे के हिसाब से अपने हमारा जो माहौल है और हमारा जो मज़हब है उस हिसाब से वो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं ये कहकर कि बेटा हम बेपर्दा तुमको नहीं कर सकते हम जानते हैं कि तुम इस पोस्ट तक पहुंच सकती हो लेकिन बेपर्दगी लेकर तुम वहां तक पहुंचो यह हमारा मजहब इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता तो बच्चे उल्टा हम वालदे को ये समझाते हैं कि आपका वक्त नहीं है ये अगर हमें आज के वक्त के हिसाब से कदम ब कदम मर्दों के शाना बशाना बढ़ना है तो हमें पर्दा हटाना है वरना हम कुछ नहीं कर सकते फिर आप हमें घर में बिठा लीजिए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते इस हिसाब से हमारे कौम की कोई लड़की आगे नहीं बढ़ सकती तो हमारे आज की बच्चियों को हम किस तरह से हमारा मज़हबी इस्लाम के दायरे में रहकर तमाम इल्म हासिल करने की तोफ़ी अदा करें जी देखें अच्छा सवाल है लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि देखें अगर किसी बच्ची के जहन में ऐसा कोई ख़याल आता है कि ये हमारा ज़माना है आपका ज़माना नहीं है तो मैं समझता हूँ एक रात में ये फ़िक्र नहीं आई उसके दिल में एक शब में उसके जहन में ये बात नहीं पैदा हुई बल्कि हमने बचपने से ऐसा माहौल उसे दिया है जिसकी बिना पर आज उसे इतनी ज़ुरत हुई है कहने की कि वह कह रही है कि ये मेरा माहौल है आपका माहौल नहीं, नहीं। अगर उस बच्चे को बचपने से दीनी माहौल में तरबियत दी होती और इस्लामी दस्तूरात के साय में उसकी परवरिश की होती और सही तौर से आ इस्लाम से आशना किया होता तो वो आज इस तरीके से न कहती हुआ क्या है हुआ ये है कि हमने पहले आज़ाद छोड़ा उसके बाद जब तरक्की की फिक्र हुई तो इस्लाम के दस्तूरा माने हुए दस्तूरात जब माने हुए तो बच्चे नेतराज़ किया कि हम इस माहौल के हैं इस्लाम के दस्तूरात से ना हम आहंग नहीं हो सकते लिहाजा हमें आपका माहौल यानी इस्लाम का माहौल मुझे पसंद नहीं है लेकिन अगर इसी बच्ची को बचपने से इस्लामी दस्तूरा के सये में परवरिश की जाती और उसे सही ढंग से तरबियत करके ऊपर ले कर आते तो आज वो डॉक्टर इंजीनियर हर मैदान में हर शोबे में तालीम हासिल करने जाती तो परदे के दायरे में इस्लामी दस्तूरा के दायरे में जाती और जहाँ इस्लाम इजाज़त नहीं देता है वहाँ वो कदम रोक लेती और उसकी ज़बान पर एतराज़ न होता इसलिए कि उसको पहले से मालूम था कि हम कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं तो ये हमें पहले से इसका इंतज़ाम करना चाहिए आज बहुत से आज हम मैदान हैं हमारे लिए तालीमत के फनी एतबार से सनती एतबार से कारोबार के एतबार से जहाँ पर वाक दुशवारियाँ हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ हमारे सामने एक ही रास्ता है वहीं जा सकते हो दूसरे जगह नहीं जा सकते अगर एक रास्ता है जहां पर इस्लामी दस्तूरात के अतबार से रुकावट बने तो और भी दूसरे मैदान हैं जहां हम जाने की इजाज़त दी जाती है उधर जाना चाहिए ज़रूरी नहीं है किसी ऐसे शोबे में कदम रखे कि जहाँ पर हमारा दिल चाह रहा है और ज़माने के दस्तूरात ने इस्लाम के दस्तूरात से टकराते हुए ऐसा कानून बनाया है कि हम वहाँ जा नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है इस्लाम इजाज़त देता है मगर चूँकि निज़ाम ऐसा लोगों ने बना दिया है कि जहाँ पर हर आदमी नहीं आ सकता मगर इस्लाम अगर पूछे शरीयत के कानून से तो अगर कोई पायलट बनना चाहे बन सकते हैं। लेकिन इस्लाम के दस्तूरात में इस्लाम के इस्लामी हिजाब और इस्लामी पर्दे में रह करके अगर वो जो है वो आना चाहते तो आ सकते इसमें कोई परेशानी नहीं है ड्राइविंग करना चाहती कर सकती कोई परेशानी नहीं है तजारत करना चाहती कर सकती कोई परेशानी नहीं है जिस शोबे में भी जाना चाहे जा सकती है मगर यही है कि वो इस्लामी दस्तूरात को ख़्याल रखे उसी के दायरे में रहे देखें हर सूरत में आज हमारा इस्लाम इस्लाम के दस्तूरात मुक़दम है ज़िंदगी में उसके बाद अगर कोई दुश्वारी आती है तो उसको जहाँ तक हो सकता है हम इस्लामी अहकाम से मुताबकत करें नहीं हो सकता है कि हमको हर हालत में इस्लाम के क़ानून को मुकदम करना है अगर हम इस्लाम के अहकाम खुदा की खुशनुदी के खातिर मुकदम करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो ज़ाहरी एतबार से हम दुनिया में ज़रूर किसी मंजिल में पीछे रह जाएंगे मगर जब अल्लाह हमसे खुश है तो फिर दुनिया हमसे नाराज़ रहे इसको कोई भी दिल में ख्याल नहीं पैदा होना चाहिए लेकिन अगर हम दुनिया में तरक्की करते हुए किसी बड़ी मंजिल पर पहुंच जाएं, दुनिया की निगाह में बहुत कुछ हासिल कर लें बड़ा मनसब हासिल कर लें बहुत बड़े जो है वो शोबे में क़दम रखें लेकिन अगर अल्लाह हमारे कदम उठाने से राजी नहीं है तो दुनिया के राजी होने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं लिहाजा हमें बचपने से कुछ इस तरह से सही इस्लामी दस्तूरा के सय में तरबियत करें बच्चे की कि वह बड़े होकर के ये न कह सके कि यह हमारा माहौल नहीं है वो आपका माहौल नहीं ये हमारा माहौल है लिहाजा हमें अगर हम अपने इस्लामी जो वो क्या कहते हैं हिदायत करने वाले और इस्लामी रहबरों के किरदार सीरत से आशना किया होता तो यकीन उनकी सीरत व करदार की रोशनी में हमारे बच्चे आगे बढ़ते आज पर्दा आज अलमदल्ला बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो कॉलेज स्कूल या दीगर शोबों में या फिर पढ़ने के बाद जिन्होंने कारोबार अख्तियार किया है वो हिजाब के साथ आज बेहतरीन तौर से काम कर रही हैं और उनसे पूछे कि आपको कैसा लग रहा है वो कहते हैं अलहदुल्लाहमदल ख़ुदा का शुक्र है और हमको बहुत अच्छा लगता है बल्कि इसको गैर भी पसंद करते हैं इस तरीके से वो महफूज हैं और उनको एक इज्ज़त और एक जो वो शराफ़त अता की जाती है एक मकाम उन्हें हासिल होता है तो आज ये माहौल बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लिहाजा हमें हर हाल में इस्लामी दस्तूरा क्या पाबंदी करनी चाहिए और उसी के साए में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जी अगला सवाल हमारा ये है आजकल बच्चों की जो मर्जी हो गई है अपनी मर्ज़ी से शादी करना कहते हैं शरह हमें इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो फिर आपकी वो शादी भी जायज़ नहीं है तो इस हिसाब और इस नज़रिए को बच्चों ने अपने हिसाब से जो बना लिया है कि एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम से अगर शादी करता है और मोहब्बत के बिना पर सिर्फ वो यही कहता है कि ठीक है तुम अपने मज़हब में रहना हम अपने मज़हब में रहेंगे एक ही घर में है वो लड़की अपना मज़हब इख्तियार किए हुए है लड़का अपना मज़हब इख्तियार किए हुए है तो क्या वो शादी जायज़ है देखिए अगर गैर मुस्लिम है मुसलमान और गैर मुसलमान इस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ये गुनाह है और किसी भी शक्ल में इनका रहना जायज़ नहीं है अलब अगर मुसलमान है मुसलमान को कोई भी फ़िरका है कि जो ला लाला महम्मद रसूल सल्ला वसम कलमा पढ़ता है क़ैमत पर ईमान रखता है और अम्बिया के ऊपर ईमान रखता मुसलमान है तो मुसलमान के साथ तो इस्लाम ने इतनी गुंजाइश दी है कि वो अपने फ़िरके या अपने मजहब के ऊपर रहते हुए ज़िंदगी बसर कर लेकिन एक मुसलमान किसी गैर मुसलमान के साथ किसी भी शक्ल में इजवाजी ज़िंदगी नहीं हो सकती है ये सिवाय गुनाह के और कोई चीज़ नहीं कही जा सकती है इसको कोई जायज़ करार नहीं दे सकता है मौलाना जैसे कि कहा गया है कि शरे में शर्म नहीं करना चाहिए अगर एक औरत है तो वाजिब है कि वो अपने करीबी किसी आलमा या जाकिरा या कोई ऐसी तालीम याफ्ता औरत से तमाम वो उमूर तमाम वो बातें जो शर् हैं वो जान सकती हैं या कोई लड़का है वो अगर जानना चाहे शर्य सवाल तो किसी आलिम जाकिर या करीबी जो तालीम याफ्ता है उनसे हासिल कर सकता है आज के वक्त में माशाल्लाह से मजहबी चैनल के हिसाब से इतनी मजहबी मालूम लोगों को घर बैठे मिल रही हैं ज़ैफ़ से लेकर बच्चे तलाक आज कर हर बात हर मसले को बराबर गौर से सुनते हैं और कहीं देखते भी हैं गलत होते हुए तो घर में आकर वालदान से बताते हैं फ़ला जगह गलत बात हो रही थी इसी बातों को नज़र में रखते हुए अगर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बातें ऐसी होती कि छोटे बड़ों को बता देते हैं इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात होती नहीं है वैसे तो लेकिन कुछ बातें जो होती हैं पर्दे की अगर हम किसी को बता रहे हैं एक जनों व शोहर अगर एक रह रहे हैं ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम पता करते हैं अगर जानना चाहते हैं और बीवी से और पता चलता है कि जनों शोहर के गुसल जो हैं वो ग़लत हैं और अगर हम बताना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमने हमारे बड़ों से इसी तरह से सीखा है और बस यही सही है आप ज़्यादा अपनी मालूम मत बताइए तो क्या इस तरह से अगर गुसल ही गलत है तो फिर वो जिंदगी किस हिसाब से है और फिर क्या वो औलाद जायज़ कहलाएगी देखें जी यहाँ पर देखें मसला जो है वो वाजिबात और इस्लामी दस्तूराज से वाकफियत का मसला है लेकिन बहरहाल उनके दरमियान जो महरमियत का सेवा जो निकाह है बहरहाल वो पढ़ा गया है जी। उसके जरिए से वो दोनों जन शोहर हैं और मियाँ बीवी हैं और वो रिश्ता जो कायम हुआ है वो हलाल यकीनन जायज़ है रह गया मसला उसके बाद के अमूर अंजाम देने की उसमें जो है ये होता है कि भाई अगर जानबूझ करके अगर कोई अमल अंजाम दे रहे हैं जानते हुए कि यह गलत है तब तो यकीनन आमाल हैं नमाज़ें हैं रोज़ा है उसमें तहारत शर्त है अगर गसल सही नहीं ये तो यकी है कि भाई गसल ज़रूरी है मस्जिद में जाना है नमाज़ पढ़ना है रोज़ा रखना है अगर ये जानते हुए कि जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसके बावजूद उसकी असला नहीं कर रहे हैं तो यकीन ये सब गलत होगा लेकिन अगर नहीं जानता है एक इंसान और अंजाम देता रहा है तो जिस वक्त उसे मालूम हो जाए उसी वक्त उसको अपनी सलाह कर लेनी चाहिए और उसके बाद सही तौर से गसल है या दीगर चीज़ें हैं उसको अंजाम दे करके अपनी आगे ज़िंदगी बढ़ानी चाहिए रह गया मसला ये कि समझाते हैं नहीं समझ में आता है तो इसके लिए देखेंगेगा अगर हो सकता है दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हो इख्तलाफी कोई ऐसी रंजिश हो जिसकी बिना पर नहीं मानने के लिए तैयार तो इस तरह से नसीहत करें वह हमारी बात नहीं सुन सकते हैं आप किसी दूसरे बुजुर्ग से आप दरियाफ़ कर लीजिए मौलाना से पूछ लीजिए वाफफ़कारार से पूछ लीजिए किताब का हवाला दे दीजिए किताब देख लीजिए लोगों से किसी तीसरे से जिसको ना हम जानते हो ना आप जानते हो उनसे दरियाफ़ कर लीजिए जो हकीक़त हो आपकी बात सही है वो या मेरी बात सही है वो मसला यहाँ पर शरीयत के हुक्म का है चाहे सही कह रहा हूँ या दूसरा कोई सही कह रहा हो लिहाजा उसको इस तरीके से नसीहत करके बात को मानवाना चाहिए उसको उसके हाल पे छोड़ नहीं देना चाहिए अलबत् अगर कोई दुश्मनी के तौर से जानबूझ के आमदन ये काम कर रहा है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी और यकीन उसके बाद जो है वो उसके अमाल और जो उसकी इबादतें हैं उसमें इश्काल होगा और वह यकीन अल्लाह जो उस तरह कीबादत को कबूल इसलिए कि उसने शर्त रखा है कि तहारत के साथ नहीं जानते वो दूसरी बात है आमदन जानबूझ के अंजाम नहीं दे रहे हैं वो दूसरी चीज़ जी हम मौलाना बहुत बहुत आपने एक हिसाब से कहा है तो बहुत ही सही जवाब दिया है जिस हिसाब से आज के वक्त में जो लोग शर् और इस्लाम और अपनी पुरानी बातों को लेके जो चलते हैं उस हिसाब से जो आपने जवाब दिया है इन हमारे नाज्रन भी इस जवाब से बहुत बहुत मुतमिन हुए होंगे मौलाना अगला सवाल हमारा ये है कि आजकल जिस तरह हम हदीसों वग़ैरह में अक्सर ज़ाकिन से हदीसों में सुनते हैं वो हमें अपने इमाम की एक शबी बता कर ज़ाहिर करते हैं अपने हदीसों के जो खुलासे वो करते हैं या अपने इमाम हैं पहले इमाम हैं मौलानी उनके बारे में बताते हैं हदीसों में उनका कद इतना था उनका रंग ऐसा था उनके सर पर बाल कम थे अक्सर सुना है हदीसों में ये तो क्या इन बातों को हम सही माने कि किसी ने देखा है आज के वक्त में रह क्या इमाम को किसी ने देखा है जो वो इस तरह की शबी बाकायदा जाहिर करते हैं और बताते हैं हमें नहीं नहीं देखो देखा तो नहीं है किसी ने और इसीलिए आज हमारे यहाँ मासूमिन की कोई तस्वीर नहीं पाई जाती है और नहीं कह सकते कि ये तस्वीर मौलाए कायनात अमीर अमोमिन की है या जनाब अबुल फजल अब्बास सलाम की या इमाम हुसैन आलम कोई हमारे यहाँ से एक यही वही तस्वीर है कि जैसे आप उस ज़माने में थे नहीं रह गया मसला कि बाद लोग बताते हैं कद उकमत के बारे में रंग के बारे में और दीगर जो खसूसियात के बारे में हाँ उसके बारे में आज हमारे यहाँ रिवायतें पाई जाती हैं हदीसों में है के मसलन जो वो इमाम आसम का रंग कैसा था उसका ज़िक्र आया है हमारे यहाँ कामत के बारे में सही रिवायतें जो बयान करती हैं उनके बयान करने में कोई हर्ज नहीं है कोई हर्ज नहीं है कोई मुश्किल नहीं है क्यों इसलिए कि जिस तरीके से मासूम के एक किरदार को बयान करने के लिए या उनका अख्लाक या उनका मुजज़ा बयान हुआ उसी तरीके से उनके जो है वो कदुकामत के बारे में उनके रंग के बारे में उनके दीगर जिसम की खसूसियात के बारे में भी बयान किया गया है कि जिन लोगों ने उस ज़माने में देखा तो उन लोगों ने लिखा है आज वो रिवायतें हम तब पहुँची हैं हम उनको सही रिवायतों को देख के मानते हैं जिस तरीके से आज इमाम ज़माना आसलात तो वसलम के बारे में आज उनके बारे में जो है वो बयान के रंग कैसा है उनके जो है वो दीगर जिसम के खसूसियात क्या होंगे और उनकी उम्र जो है वो कितनी होगी जब ूर फरमाएंगे और जो है वो दीगर खसूसियात आज भी किताबों में पाया जाता है तो जो किताब में रिवायत में सही तौर से बयान किया उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है अलबत् जो ग़लत रिवायतें हैं और उलमा ने उसको तशीस दिया है कि इसको नहीं बयान करना चाहिए या ये गलत रिवायत है उससे किनारा कशी अख्तियार करना चाहिए और हमें किसी भी मासूम या किसी भी इमाम की तस्वीर को हमको रिवाज नहीं देना चाहिए इसलिए कि वो तस्वीर किसी ने देख के नहीं बनाई है तो जब देख के नहीं बनाई है तो फिर हम कौन होते हैं उसको तस्वीर बना के ये कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की या रसूल ख़ुदा अलैहि वसल्लम की या इमाम हुसैन आसमाम की तस्वीर है ये सही नहीं है बयान करना कि जो रिवायत में आया है सही तौर से उसमें कोई हर्ज नहीं कोई हर्ज नहीं है अगर हम उसे चाहे जी तो सही रिवायतों है। में जी बयान किया किताबों में मोतबर किताब में उसको मानने और बयान करने में कोई हर्ज नहीं कोई? है। जी अगला हम सवाल यह है कि जिस तरह से कहा गया है कि एक मर्द पे चार शादियां हैं बशर्त यह है कि वो इतनी हैसियत रखता है कि चारों बीवियों को बराबर से रखे और जो भी अखराजा वगैरह के जो भी बताए हैं हमारे इस्लाम ने जो भी शरात रखी है उन तमाम शरात को अंजाम देता है इसी को मद्दनजर रखते हुए अगर एक शोहर दूसरी शादी करता है जी। उस औरत से जिसका के खुद एक बालिक लड़का है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम इस लड़के के सामने बेहिजाब रहो ये हमारा बेटा ही तो है जबकि वो उसके लिए नामहरम है लेकिन शोहर ये हुक्म दे रहा है अपने जौजा को कि ये मेरा बेटा है क्योंकि मैंने इसकी माँ से निकाह किया है पहली बीवी को अपनी पहली बीवी को ये हुक्म दे रहा है कि जो दूसरी बीवी से मैंने निकाह किया है और ये उसका पहले से ही एक पहले शोहर का बेटा है तो तुम भी इसकी माँ हो एक हिसाब से मैं इसका बाप हूँ तो तुम इसके सामने बेपर्दा रहो तो क्या बीवी को शोहर का ये हुक्म मानना चाहिए नहीं देखें जो उस शख्स की पहली बीवी है वो उस लड़के की हकीकी माँ नहीं है नहीं और जो हुक्म दे रहा है कि इस बेटे के सामने बग़ैर पर्दे के आओ उस बेटे का ये हकीकी बाप नहीं है नहीं जी, जी तो जब न ये हकीक़ी बाप है ना उसकी वो हकी माँ है तो उन दोनों मां के दरमियान यानी माँ के यानी वो पहली बीवी के दरमियान और उस बेटे के दरमियान में कोई महरमियत का ताल्लुक नहीं है <ईच्चित> जब महरमीत नहीं नामहरम है जब ना महरम है तो उस बीवी को बेटे के सामने पर्दे के साथ आना होगा इसीलिए एक मसला है कि फ़र्ज़ कर लीजिए इस पहली बीवी से अगर कोई बेटी होती और वो लड़का जो दूसरी बीवी से है आया है उन दोनों में अगर शादी होना करार पाती तो हो सकती थी तो जिस तरीके से उसकी बेटी से शादी हो सकती है महरम उसी तरीके से वो भी नाम महरम है उसको भी पर्दे के साथ रहना चाहिए और बग़ैर हिजाब के नहीं आना चाहिए <laughs> वो उसके दरमियान जो है वो ना नामहरम है अब रह गया मसला कि वो ज़बरदस्ती कह रहा है तो देखें शौहर की इताअत या माँ बाप के तात अगर कहा गया है तो अल्लाह के हुक्म को मानने में कहा गया है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में नहीं, नहीं कहा गया है अगर हुक्म खुदा के नाफरमानी में कोई हुक्म दे रहा है एतात करो तो इसके तात जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में उसको समझाना चाहिए और उसको ऐसे माहौल से दूर करना चाहिए जी हाँ ठीक है मौलाना बस अपने प्रोग्राम का अख्तितम करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कहा जाता है विलायत अली जिसके दिल में नहीं है दुश्मन अहल बैत जो हैं उनसे हमें दुश्मनी रखना चाहिए दोस्ती नहीं करना चाहिए एक तो ये हदीस हम हमें मिलती है कि दुश्मन अहल बैत से दोस्ती नहीं रखना चाहिए दूसरी हमें रसोल खुदा की यह हदीस मिलती है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो उनकी दुख तकलीफ़ों को देखो उनकी ज़रूरियात को देखो तो अगर एक दुश्मन बैत हमारा पड़ोसी है और अगर हम उसका ख्याल रखते हैं तो हदीस रसूल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं क्योंकि वो दुश्मन अली हैं तो भी हम हदीस रसूल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो हमें किस तरह से अपने पड़ोसियों का और किस तरह से दुश्मन अह बैत को दोनों को एक साथ रह कर हम किस तरह से अपने काम को का अंजाम दें? जी इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम के अहकाम और इस्लाम समझना चाहिए यहाँ देखें चूंकि हदीस नहीं समझा इसलिए यह सारा मसला आ रहा है हदीस पैगम्बर ये के दुश्मन अली की मुखालफत करना चाहिए या दुश्मन अली से दोस्ती नहीं करना दूर रहना चाहिए मसला ये है कि क्या जो हमारे पड़ोस में है हमने यह तय कर लिया है कि यह दुश्मन अली है पहला सवाल ये पैदा होता है मुसलमान अगर है तो दुश्मन अली नहीं है देखिए मसला यहाँ पर दो चीज़ों को एक कर दिया गया है दुनिया का कोई मुसलमान कोई भी मुसलमान मैं आज ये जो बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मुसलमान अगर है दुनिया का कोई मुसलमान मौलाए अली मिरमिन का दुश्मन नहीं है वो दुश्मन जिसके लिए कहा गया है वो नासिबी है नासिबी किसे के नासिबी वो है कि जो अली अलीसम को और इसी तरीके से मासूमिन को गालियाँ देता है बुरा भला कहता है वो दुश्मन है लेकिन अगर कोई मुसलमान अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा नहीं मानता तो ये बुरा भला नहीं कहता है ये गालियाँ नहीं देता है तो जब गालियाँ नहीं देता है बुरा भला नहीं कहता है तो दुश्मन नहीं है हाँ जो हक देना चाहिए मौला कायनात को वो हक नहीं दे रहा है मगर वो भी दावा करता है कि मैं मौला से मोहब्बत करता हूँ और मानते भले जो जिस तरीके से मानना चाहिए उस तरीक़े से नहीं मानते वो एक दूसरी बहस है लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं कहता है कि मैं अली का दुश्मन या उन्हें दुश्मन कोई जुरत नहीं करता है कोई कर नहीं सकता सिवाय ख़ारजी के और सिवाय नासिबी के और वो इस्लाम से ख़ारिज है वो मुसलमान नहीं है मुसलमान अगर है तो यकीन वो खुद मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं और वो अली से दोस्ती और मोहब्बत रखते हैं विलायत नहीं है वो अलग मसला है तो हमें पड़ोस में अगर मुसलमान है तो मुसलमान होने के अनवान से उसका एहतराम हर सूरत में जायज़ है अगर हमारे मजहब पर नहीं है और कोई गैर शिया है तो उसे दुश्मन अली जब तक वाज न हो जाए कि अली अलैहिस्सलाम को गाली देने वाला है बुरा भला कहने वाला उस वक्त तक उसे दुश्मन अली नहीं समझना चाहिए और जब वो अलैहिस्सलाम से ख़ुद कह रहा मैं मोहब्बत करता हूँ मानता हूँ तो यकीनन वो जो वो दुश्मन नहीं है और उसके साथ पेश आने में उससे रबता बरकरार करने में कोई हर्ज नहीं है बल्कि आप मासूमिन के किरदार को देखिए कि जिन्होंने मौला की मुखालफत की जिन्होंने बुरा भला का अपने किरदार से उनको भी अपना चाहने वाला बना लिया है तो हमको चाहिए कि ऐसे तमाम अफराद से अच्छे बर्ताव से पेश आए इसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं है जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपने हमारे तमाम सवालों का बखूबी से जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नाजरीन के जहनों में भी इसी तरह के तमाम और सवाल होंगे और इन सवालों में से कोई ना कोई सवाल नाजरीन का भी होगा जिससे वो आज मुतमिन हो गए हैं और मौलाना के जवाब से आप अपने उन सवालों को हल कीजिए और अपने मुश्किल और मुश्किल को हमारे विन चैनल के ज़रिए से आसान करिए मैं परम की बारगाह में शुक्र हूँ कि उसने तोफ़ीक दी और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हमारी इन बातों को पसंद फरमाएगा और खुदा ख़ुदांद की रिजायत हासिल हो जाएगी और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि ने कर इस बात के इन तमाम बातों के ऊपर अमल करेंगे और मुश्किल को बरतरफ करेंगे तो जी हाँ नाजिन एक बार साजिवी फिर आपके साथ रूबरू है तो आइए पूछते हैं परवीन से जो उनके सवाल तो उन्हें जवाब मिल गए तो मैं चाहूँगा कि प्रवीन आप यहाँ पर आएँ मान साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर आएँ मोना साहब सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो एक मौका की जो ट्रॉफ़ी है टोकन उपलब्ध है वो आप परवीन को दें परवीन फातमा तकवी अभी तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल पूछ रही थी अब मेरी बारी है कि मैं आपसे पूछूँ कि आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल गए जी हाँ जिस उम्मीद से हम अपने सवालों को लेकर यहाँ पहुँचे थे माशाल्लाह खुदा का शुक्र है कि हमको हमारे तमाम सवाल के जवाब बखूबी बहुत अच्छे और सही मिले हैं और इन इन तमाम जवाब को नजर रखते हुए इन अपनी ज़िंदगी के आगे मसाइल ऐसे इस तरह के कुछ भी आएंगे तो इन सवालों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहेंगे जी बिल्कुल और प्रोग्राम भी इसीलिए है कि जो है अगर ज़िंदगी में कोई ऐसे मसले मसाल आते हैं तो ये उसका हिस्सा बने एक मौका तो मैं चाहूँगा हमारे नाजीन से प्रोग्राम एक मौका के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी जी हाँ मैं तमाम नाजर से यह कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चंद मसाइल हों तो उन मसाइल को हल करने के लिए हमारा नंबर वन चैनल विन में अपने सवाल एक मौका में लेकर आइए और अपने तमाम सवाल से मुतमिन होइए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपील भी की जी मौलाना साहब जिस अंदाज से ये सवाल कर रही थी कि इनके सवाल यक़ीन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे बेशक मैं समझता हूँ कि जो सवाल थे वो अखिलाी और दीनी और मुबतला बे थे मैं समझता हूँ कि ख़ुद इनके लिए भी वाज़ और नाजरीन के लिए भी वाजे होगा और अगर नाजरीन में से किसी के लिए वाजे नहीं है तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो ज़िंदगी के मसाइल में भेजें ताकि हम दोबारा उसे वाजह करें जी जी बिल्कुल मैं चाहूँगा कि अब वक्त तो चलाए कि अलविदा आपसे कहूँ और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँ एक मौका के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन से मैं इस मौके पर कहूँगा कि जो भी अफराद हैं चाहते हैं इसमें हिस्सा लेना तो वो यकीनन बड़े ही जोश के साथ आए और यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराएं और वाकई ये बेहतरीन मौका है जहाँ पर ख़ुद अपनी बात कहने का मौका मिलता है और अपनी बात के ज़रिए से दूसरों तक पहुँचाने का भी मौका मिलता है तो जब दूसरों तक तो पहुँचाएँगे तो इस तरीके से गोया एक तबलीग हो जाएगी तबलीग में हिस्सा लेना बहुत बड़ा स्वाब है मोना साहब अहम तरीन पैगाम आपने दिया बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहब आपका भी, भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाई अपना वक्त आपने निकाला हमारे नाजन के लिए काफ़ी अच्छे अंदाज़ में सवाल भी आपने किया बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मौका जैसे प्रोग्राम ने एक मौका दिया है और इस हमारे मज़हबी इस्लाम का ये नंबर वन मज़हबी चैनल है जिसमें आने का मुझे मौका मिला शुक्रिया तो जी हाँ नाजिन अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम एक मौका में हिस्सा लेने के लिए तो आप अपने सवाल हमें ई कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस है ई सेवन एट सिक्स एट रेट जी मेल डॉट कॉम ज़्यादा मालूम के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर है नाइन सिक्स वन नाइन सिक्स सिक्स सेवन फाइव सेवन एट याद रहे अगर आप भी चाहते हैं परवीन फातमा तकवी की तरह हिस्सा लेना तो अपने सवालत हमें जल्द से जल्द ई मेल करें दिन और आखरत की ज़्यादा मालूम के लिए लगातार देखते रहिए चैनल पैगाम शुक्रिया खुदाफिज़